राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष राधा अष्टमी 11 सितंबर बुधवार को मनाई जा रही है। ये साल विशेष है। राधा अष्टमी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, प्रीति योग और रवि योग। प्रीति और रवि योग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा करने का विधान है। यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। राधा अष्टमी की पूजा प्रीति योग में ही होगी। वही रवि योग का निर्माण रात में 9:22 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। बता दें कि हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व जोर शोर से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में हुआ था। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जानते हैं। राधा अष्टमी तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू 10 सितंबर मंगलवार रात 11:11 से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समाप्त 11 सितंबर बुधवार रात 11:46 पर उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की पूजा का समय दिन में 11:03 से दोपहर 1:32 तक कर सकते हैं। पूजा की कुल अवधि 2:29 की रहेगी। राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। उसके बाद से मूल नक्षत्र शुरू है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से 5:18 तक है। राधा अष्टमी के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है।